ये रहा दोस्तों हम पहुंच गए। तो राकेश भाई क्या करें, रेडी चलो चले चलो 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 एड हो रहा है, रुको रुको। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिरोज का ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला, क्योंकि मैं 7 साल से सऊदी अरब रियाद में रहता हूं और आज एक मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे, ठीक है, बताएंगे वो मेरा क्या ड्रीम था और मैं क्यों नहीं ये 7 साल से पूरा कर पा रहा था। ठीक है, तो मैं निकल रहा हूँ दोस्तों, अभी ये देख रहे बिल्कुल रात में बारिश हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मैं पहले गाड़ी चालू करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मैं गाड़ी में बैठ गया और मैं निकल भी गया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दूर रुकता नहीं तो हो सकता मेरा ड्यूटी भी लग सकता था। और मैडम का सबसे पहले शुक्रिया, क्योंकि मैडम ने छुट्टी कल ही में कंफर्म कर दिया था कि मैं नहीं रहूँगा, ठीक है। और आज दिन फ्राइडे भी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों पहले जाते हैं और मेरा दोस्त जो है उसको मैं पिकअप करता हूँ, उसके बाद निकलेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से व्यूज है दोस्तों, देख रहे मौसम चेंज हो गया, रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था और ज़्यादा मतलब धूप अभी कड़क नहीं है, ठीक है, और अभी लगभग शाम के 3 बजने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अभी नमाज का टाइम है असर का, तो जाने से पहले यहाँ से नमाज पढ़ के निकलते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया ना। तो एक मस्जिद है ये देख रहे, जिसमें मैं जुम्मे का नमाज पढ़ता हूँ, और ये भाई तरबूज और कुछ बेच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बच गया वो। तो नमाज़ पढ़ के मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि नमाज़ पढ़ के निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। और अभी टाइम भी थोड़ा है, चलिए नमाज। तो फाइनली दोस्तों नमाज हो गया, असर का नमाज मैंने पढ़ लिया, 4 सुन्नत और 4 फर्ज। दोस्तों मैं जब इंडिया से आ रहा था तो मैंने एक चीज़ सोच के आया था कि अगर मैं सऊदी अरब में मुझे जॉब लग जाएगा तो मैं बिल्कुल मैं 5 वक्त का नमाज़ पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने इसको कायम रखा है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो मेरा दोस्त भी फ़ोन कर रहा है, ये मैं गाड़ी के पास आ गया, ठीक है, और पूछ। अब यहाँ से जाते हैं हम, देख रहे दोस्तों यहाँ की जो सर्विस रोड होता है कितनी चौड़ा होता है रोड, देख रहे, मतलब दोनों साइड से पार्किंग लगा है और उसके बाद भी मतलब गाड़ी आराम से मतलब आ जा सकता है, ठीक है। यहाँ का यही खासियत है, मतलब अंदर का जो मतलब अंदर सिटी के अंदर भी जो घर वर रहते हैं काफ़ी रोड चौड़े होते हैं, तो काफ़ी गाड़ी चलाने में दोस्तों काफ़ी ईजी है, ठीक है, यहाँ पर ईजी है। बस सिस्टम का आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको अगर ड्राइवर के जॉब में आप तो बस नियम को फॉलो करना है बस, ठीक है, यही है यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया अपार्टमेंट में, देख रहे मेरी गाड़ी खड़ा कर दिया और अभी तक राकेश भाई आ ही नहीं है, ठीक है। तो ये है डाइनिंग हॉल अपार्टमेंट की, यहाँ पे बैठ सकते हैं, वाईफाई चला सकते हैं, और ये हमारी जो मैनेजर साहब बैठते हैं यहाँ पे हिसाब सब करने के लिए। तो देखते हैं, यहीं पर इंतज़ार करते हैं और राकेश भाई कब आते हैं, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों राकेश भाई आ गए, देख रहे पिछले वीडियो में आपने देखे थे इनको। राकेश भाई बताइए कितना दिन लगेगा आपका जाने का? अभी पता नहीं, देखना पड़ेगा, देखते हैं। राकेश भाई मेरे हिसाब से ज़्यादा दिन नहीं रह गया, तो राकेश भाई और के साथ में मैं भी थोड़ा घूम लूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला था जो मेरा मतलब ड्रीम जो पूरे होने वाला है, मैं बहुत आज एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब का जो किंगडम टावर है उसको ममलका बुर्ज भी बोलते हैं, वहीं पर आज जा रहा हूँ राकेश भाई के साथ। तो बहुत उसका तारीफ़ सुना हूँ मैं, बहुत सारे वीडियो में देखा हूँ, तो आज देखते हैं जाके दोस्तों वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो में पूरा बने रहे दोस्तों। तो हम लोग का गाड़ी भी देख रहे हैं, पूरा रेडी हो गया, रेडी है ना राकेश भाई? हाँ ठीक रेडी है, रेडी है, और गाड़ी भी चालू कर लिए दोस्तों। तो लेट्स गो दोस्तों, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हाँ मैं देख रहे सिग्नल पे खड़ा है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन खड़े को दोस्तों, ये 3 लाइन की सिग्नल है। तो हम खड़ा हैं और सामने आप देख रहे एक हमारे इंडियन भाई शायद हैंगर में हैंगर डिलीवरी बॉय है, ठीक है। तो सिग्नल खुलेगा दोस्तों और सामने आप देख रहे हैं दोस्तों किंगडम ये फिसलिया टावर की जो बॉल जैसा दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और राकेश भाई इसके आपके नहीं मतलब थोड़ा मतलब ठंडा लग रहा है ना थोड़ा हल्का? हाँ ठंडा मौसम शुरू हो गया ना, कल तो कल रात इतना बारिश हो रहा था भीग गया था मैंने आते टाइम पे। तो दोस्तों सिग्नल चालू हुआ, मैं कैमरे को स्टॉप करता हूँ।
तो फाइनली दोस्तों ऊपर पार्किंग नहीं मिला, अब हम जा रहे नीचे, देखते हैं कहीं पे मिलेगा। देख रहे बोलैया के कैसा व्यू जा रहा है देख रहे दोस्तों, माता ना ठीक है, ये बोलैया रोड हो गया दोस्तों, ठीक है ये साइड। फाइनली दोस्तों हम लोग को पार्किंग बहुत ढूंढने पर मिला, तो हम लोग बाहर में ही पार्किंग लगा दी, क्योंकि हम लोग फिर जल्दी निकलने में कोई मसला नहीं होगा, है कि नहीं राकेश भाई? सही है। चलो इसको थोड़ा ले लीजिए, तो रख लीजिए ना साथ में। तो ये हम हैं दोस्तों यहाँ पे, अभी जब तक पार्किंग नहीं मिलेगा ना, जब तक गाड़ी को सही से खड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? देख रहे काफ़ी दिन से मेरा एक ड्रीम था दोस्तों यहाँ जाने का, और आज मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, और ये हम पहुँच भी गए हम यहाँ के, ठीक है राकेश भाई? क्या बोलते हैं, हो गया रेडी? चलो चलते हैं। हाँ, ये यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, ये रात में मतलब अच्छा दिखेगा, अच्छा समझे राकेश भाई? आइए चलो चलिए, ये देख रहे हैं अभी ऊपर। राकेश भाई देखिए कितना अच्छा, मतलब ये गार्डन कितना अच्छा बनाया है, इसको मेंटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं बहुत। इसका ये देखिए कितना अच्छा, मतलब इसका जो फूल है वो काफ़ी मतलब खूबसूरत दिख रहा, मैं पहली बार इसका मतलब फूल देखा इतना करीब से, क्योंकि बहुत कम निकले फूल, नहीं देख रहे इतना पुराने होके भी। ये मौसम आ रहा है इसका, है कि नहीं? ये देखिए इसमें बहुत देखिए। तो ये है दोस्तों यहाँ की पार्किंग, दिखाता हूँ आपको नीचे का, ठीक है? ये देखिए दोस्तों, लेकिन मैं पार्किंग में नहीं खड़ा किया गाड़ी को, ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी सीधे अंदर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए, देख रहे इंडम टावर के पास, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है? राकेश भाई थोड़ा फ़ोटो ले रहे हैं, ठीक है? ये ऐसा कुछ बना हुआ है दोस्त यहाँ पे, ठीक है? ये अंदर जाने का रास्ता है दोस्तों, ये मॉल में जाने के लिए, और यहाँ से अब इंटर करेंगे सीधा पार्किंग में चले जाएंगे, ठीक है? ये है दोस्तों तरीक रूबा, ठीक है? रोड रूबा का व्यू इस तरह से दोस्त देखें, आगे सिग्नल है वो लैया वाला, ठीक है? तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग यहाँ पहुँच गए, देख रहे हैं यहाँ का कुछ इस तरह से व्यूज है किंगडम टावर का, ठीक है? और इसको दोस्तों अरबिक में ममलका, बुर्ज ममलका भी बोलते हैं इसको अरबिक में, और इंग्लिश में तो किंगडम टावर भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों व्यूज है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं मतलब लाइफ में 99 फ्लोर पर मैं कभी गया नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं 99 फ्लोर पर जाने वाला हूँ, और सऊदी अरब का सबसे बड़ा मतलब ये टावर है, ठीक है? और ये है दोस्तों रियाद में है, अब इसका अंदर जाते हैं, इसका टिकट का क्या प्राइस है, हम अंदर कितना देर रुक सकते हैं ऊपर में, और ऊपर में क्या क्या है, इससे सारी चीज़ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अंदर गा के देंगे यहाँ पे, ये दोस्तों स्टारबक्स की कॉफ़ी वाला है, और यहाँ पे दोस्तों फूल रखा है बहुत अच्छा, केवल मुझे केवल कोई हम मिल। और ये है दोस्तों यहाँ पे एटीएम है एक दोस्तों एनसीबी बैंक का, और ये देख रहे हैं दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसमें दोस्तों बहुत अच्छा लाइट लगा हुआ है, देख रहे हैं। और ये हल्ला का महल है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे लाइट लगा है, ये प्लास्टिक का है लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है? ये डाइनिंग हॉल में है, ठीक है? कैसा लग रहा है बीच में चलने में? काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सब फूल रखा हुआ है। हम आ गए दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर का कुछ इस तरह से व्यूज है मोबाइल वोबाइल का। राकेश भाई कुछ देखना है? देख रहा हूँ। हाँ देख रहे हैं, सारे मोबाइल का कवर मिल जाएगा आपको, इस टाइप का आईफोन का कवर मिल जाएगा, सबका कवर मिल जाएगा, ठीक है? क्या ये दोस्तों, ये तो मतलब लग रहा है, ये क्या है मेरे को समझ में नहीं रहा, पुरानी चीज़ है क्या? पुरानी चीज़ नहीं, जैसे करके चेंज ब्रेसलेट हाथ का, गले का पेंडल, ब्रेसलेट पेंडल, मतलब ये यूनिक किस्म का है क्या? नहीं ये थोड़ा अलग है लेडीज का मतलब, ठीक है? आइए। तो ये है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का, अब हम जा रहे हैं यहाँ से सेकंड फ्लोर में, ठीक है? अब बताएंगे वहाँ पे। और भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से भाई? मैं यूपी फैजाबाद से। क्या यहाँ पे घूमने आए क्या आज? नहीं, मैडम के साथ में हूँ, मतलब हाउस ड्राइवर, मतलब वेटिंग कर रही। हाँ वेटिंग ही समझो। क्या नाम हो आपका? अब्दुल्ला नाम है। कहाँ यूपी, कहाँ से? यूपी फैजाबाद। यूपी फैजाबाद। तो ये अब्दुल्ला भाई थे भाई यूपी से, आप कभी ऊपर गए क्या? मतलब मैं ऊपर से पहले ऊपर पार्किंग किया, ऊपर पार्किंग नहीं, मतलब स्काई ब्रिज में ऊपर गए? ऊपर गए।
कितने बार अच्छा लगता है, दो बार गया हूँ। दो बार गए तो ये भाई अब्दुल्ला भाई मिले, यूपी के हमारे भाई है, जो बोल रहे हैं कि मैं ऊपर गया हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब हम जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर में, देख रहे हैं अब हमारी लिफ्ट आ गई है। चलो आ जाओ राकेश भाई। हाँ यार ये सब लिफ्ट में चढ़ने का राकेश भाई कुछ मज़े ही अलग है यार। बचपन में बहुत मज़ा आता था बचपन में। ये देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही मतलब सब ब्रांड मिलेंगे, मतलब बड़े बड़े, ठीक है। ये देख रहे हैं मेरे पीछे जारा है और ये HM है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ताज़े फूल रखे हुए हैं। राकेश भाई कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। सही लग रहा है, कैसा लग रहा है? जबरदस्त। आइए तो हम हैं दोस्तों लिफ्ट के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं तीसरे फ्लोर में। अरे यार ये पार्किंग ये ग्राउंड फ्लोर में क्यों दबाए? नहीं नहीं वो किसने दबा के? हाँ तो ये हमको ग्राउंड फ्लोर में लेकर आएगा, हमको जाना ऊपर, ठीक है। तो ये है दोस्तों मॉल का कुछ बीज यहाँ से किंगडम टावर के अंदर का, ठीक है। ऐसा मॉल मिल जाता है आपको, ये देख सकते हो। और यहाँ से दोस्तों ये देख रहे हैं सामने मतलब पिक्चर का हॉल भी है। राकेश भाई पिक्चर का हॉल ही है ना? हाँ वो पिक्चर का हॉल है, पिक्चर का हॉल है दोस्तों। और ये साइड देख रहे हैं बॉक्स, पिक्चर भी लगा हुआ है हॉलीवुड का, ठीक है। हॉलीवुड का ही पिक्चर है ना? बहुत सारे स्क्रीन है वहाँ पे, देखो मार्वल्स चल रहा है। हाँ तो देखते हैं, चलो देखते हैं कौन सा लगा। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ सिनेमा में हम आ गए और ये सब सारे पिक्चर लगे हुए हैं, ठीक है। क्या करते हैं राकेश भाई, चलते हैं यहाँ से आप? चलो चलो यहाँ से घर। ये देख रहे हैं ये देख रहे हैं दोस्तों कितना 8 नंबर तक, ठीक है 8 नंबर तक स्क्रीन है। और ये है दोस्तों पूरा फील मॉल का व्यूज, ठीक है। ये है दोस्तों सीढ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर इमरजेंसी में जाना है तो, ठीक है। तो हम अभी सीढ़ी से ही फिलहाल उतर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। काफ़ी लंबा भीड़ है दोस्तों, लंबर है। सबसे लास्ट में मैं हूँ और राकेश भाई, ठीक है। अंदर काफ़ी ज़्यादा है रश है क्योंकि आज छुट्टी का दिन था ना, आज फ्राइडे है तो लोग सब फ्री रहते हैं। आज और कल काफ़ी ज़्यादा रश रहेगा। आज का देखते हैं टिकट का कितना प्राइस है, सो ठीक है। ये दोस्तों आप टिकट काउंटर पे आ गए हैं, देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ये लोग यहाँ पे दोस्तों वेट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। टिकट दिखाओ कितना करके लिया, कितना करके? 1 है 69, 1 है 69 के। तो फाइनली दोस्तों टिकट मिल गया जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अगर टिकट नहीं मिलता तो हम लोग ऊपर जाते कैसा, ठीक है। तो टिकट मिल गया, ठीक है। अब हम आ गए लिफ्ट के अंदर, फर्स्ट में आएंगे हमें लोग भोजन भोजन आए, देखते हैं कितने लोग आएंगे। भाई लिफ्ट बहुत स्पीड है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग 50 फ्लोर पे हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी वो कितने फिर पे 50 66 तो दोस्तों 77 फ्लोर पे हम लोग आ गए, ठीक है। भाई यहाँ पे तो बहुत अच्छा कूल है राकेश भाई, हाँ एसी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, यहाँ रश है लेकिन एसी बहुत ज़बरदस्त, देख रहे, ठीक है। दोस्तों ये है मस्जिद 77 फ्लोर पे राकेश भाई यहाँ पे, ये बता रहे हैं मतलब दुनिया का सबसे ऊँची मस्जिद यहीं पे है, ठीक है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे मस्जिद बनी हुई नमाज पढ़ने के लिए, और यहाँ पे दोस्तों ये है बाथरूम वजू करने का, ठीक है। 99 चलो भाई पहले हम ही को पूरी कर लें, जबरदस्त देखो दोस्तों कुछ इस तरह से व्यूज है यहाँ पे। वाह अरे यार लग रहा है कि हम मतलब फ्लाइट में बैठे रहते हैं भाई, देख रहे दोस्तों पहला ब्रिज कैसा है, तो ठीक है। यहाँ का ब्रिज है जो दोस्तों स्काई ब्रिज बोलते हैं इसको ऊपर में, तो ये देख रहे हैं दोस्तों ये यहाँ पे नीचे साइड में है और वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ साइड भी ऐसा मतलब वो क्या बोलते हैं वी शेप में, वी शेप के टाइप का बना हुआ है। Thank you.
दोस्तों बारिश के वजह से मैं मतलब क्लियर उतना नहीं दिख रहा। ये आप देखिएगा उधर अब्दुल्ला सिटी है और चार नंबर साइड पड़ता है, और ये नीचे जो दोस्तों है ओलैया मॉल, नीचे ओलैया मॉल है दोस्तों, और ये रोड डूबा होगी। ठीक है, टाका सुशी आप उधर चले जाएंगे और ये किंग पार्क नीचे वाली रोड है दोस्तों, ये किंग पार्क रोड है। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लाइफ में 7 साल के बाद मैं पहली बार आया। नीचे से तो मैं बराबर जाता था, लेकिन आज मेरा ड्रीम दोस्तों पूरा हो गया, क्योंकि मैं सोचता था कब जाऊँगा ये इस टावर में, और इसका टिकट दोस्तों वही 69 रियाल का था। ठीक है, तो भाई एक इंडियन भाई यहाँ पे देख रहे हैं, कैमरा वैमरा ले कर रहते हैं यहाँ पे। क्या करते हैं आप यहाँ पे? प्रिंटिंग कितना लेते हैं फोटो? 20 रियाल। 20 रियाल और फ्रेम वाले? नहीं, प्रिंट वाले, सिर्फ प्रिंट वाले। तो दोस्तों एक आपको फ़ोटो यहाँ पे DSLR का मिल जाएगा जो 20 रियाल का है ना, जो हमारे भारतीय रुपये में दोस्तों लगभग 400 से ऊपर बनने वाला है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों उस पॉइंट से मैं इस पॉइंट में डायरेक्ट आ गया। ठीक है, देख रहे हैं यार ये इतना मोटा है ना, नीचे से आप देखेंगे तो बहुत पतला दिखेगा। ठीक है, देख रहे हैं काफ़ी अच्छा जगह है दोस्तों घूमने के लिए यहाँ पे फैमिली के साथ। ठीक है, तो फैमिली दोस्तों देख रहे हैं तुम्हारा भाई 99 फ्लोर पे आ गया है, बिल्कुल राकेश भाई के साथ में। देख रहे देख रहे भाई, अरे यार देखो कैसा लग रहा है ऊपर से। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों शाम का टाइम है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों अभी मैं कुछ देर रुकूंगा, क्योंकि काम तो रोज करना ही रहता है। ठीक है, तो कुछ देर में सोच रहा रुक के जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बादल है ना, तो ऊपर का मतलब आपको ऊपर से ब्रिज अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मतलब वो कुहासा टाइप में थोड़ा सा। ठीक है, तो ज़्यादा वो नहीं रहा, और काफ़ी ज़्यादा मैं ऊंचाई में हूँ, 99 फ्लोर, मतलब मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में आया हूँ दोस्तों, और लिफ्ट की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, रात में ना दोस्तों यही लाइट लगा यहाँ पे, देख रहे जो लाइट लगा यही लाइट मारता है। ठीक है, देख रहे तो ये है दोस्तों, देख रहे हैं कुछ नाइट का व्यूज है। ये दोस्तों किंग फहद रोड है, और सामने फिसलिया वाला टावर है, और ये साइड दोस्तों वलैया वाली रोड है। ठीक है, और ऊपर से देख रहे हैं दोस्तों रियाद किस तरह से दिखता है, देख रहे हैं। ठीक है, और ये अभी टाइम दोस्तों मगरिब का टाइम है, कोई बात दोस्तों, और बाहर में थोड़ा हल्का हल्का बारिश हो रहा है, तो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं अंदर का कुछ इस तरह से शाम का, और ये साइड में दोस्तों ये हो गया अपना मलिकाबाद में, ये साइड दोस्तों वलैया वाला हो गया, ये दोस्तों वलैया मॉल भी नीचे है, और ये दोस्तों दूर का नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, तो चार नंबर एग्जिट पर जाएगा। ठीक है, जिस तरह से दोस्तों ऊपर का बस देख रहे हैं आपको भी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा वाइब्रेट होता है। ठीक है, देख रहे तो फाइनली दोस्तों अब इसको अलविदा कहते हैं स्काई ब्रिज को, और अब हम जा रहे हैं लिफ्ट के अंदर। ठीक है, देखते हैं लिफ्ट के अंदर। ठीक है, देख रहे लिफ्ट के अंदर आ गए दोस्तों, काफ़ी लोग हैं, रस भी है, और यहाँ से लग रहा है फिर से दो बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, भाई अब नीचे उतर गए 77 फ्लोर पे। ठीक है, यहाँ से दोस्तों चलते हैं नीचे। ठीक है, देखते हैं दरवाज़ा किधर, अब यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा क्या? ये लोग आ रहे हैं भाई, बहुत एक्साइटेड है ऊपर जाने के लिए, हम लोग भी जाते हैं। ठीक है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे। ठीक है, फाइनली भाई अब नीचे उतर गए, 69 रियल का जो टिकट था हमारा वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इस टाइप का है, ये देखिए दोस्तों कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो उसमें रात में कलर बहुत चेंज होता है, और ये दोस्तों टूरिज्म के लिए लोग बाहर से आए, फॉरेनर लोग हैं,
बस के लिए ठीक है। काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए कार के पास, ये देख रहे हैं गाड़ी का हमने वो भी खोल दी, लॉक खोल दी। राकेश भाई बैठिए सर, और अब गाड़ी में बैठते हैं दोस्तों, और वीडियो को अब थोड़ी देर के बाद हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। हम लोग रहे राकेश भाई डेढ़ घंटा हो गया होगा अंदर जाके, डेढ़ घंटा ना, चार बजे तक गए होंगे, अभी 5:30 बजे। और सुबह देखा था बाड़ी चढ़ते जम पे, वो पेंट भी थोड़ा सा निकला है। कहाँ पे आगे वो मैडम ठोकी थी जब इधर। क्या था कुछ थोड़ा बताइए जरा, मतलब ये टिकट हो गया स्काई ब्रिज के लिए, नीचे मॉल होता है, घूम सकते हैं इधर उधर, और ऊपर जाने के लिए टिकट रहता है 69 रियल्स का रहता है। बच्चे तो 10 साल के अंदर है उन लोगों को 23 रियल्स रहता है, और जिसका भी ये रहता है बच्चे जो भी 2 साल से अंदर है उन लोगों का फ्री है, कुछ भी नहीं है खाली। तो ऊपर 99th फ्लोर पे जाना है, टाइम स्पेंड करने का जगह नहीं है, पर एक बार आके देख सकते हैं, बस एक बार आके देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और नए हो चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे दिए मुझे इजाज़त।